मेरे बच्चों सभी हमारे स्टाफ के सदस्य आज जो ध्यान की क्लास है बड़ी विशेष है क्योंकि इसमें हम उन प्रतिकूलताओं पे विपरीतताओं पे ध्यान करेंगे एडवर्सिटीज़ पे जो हमें हॉन्ट करती रहती हैं बराबर परेशान करती रहती हैं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ऐसे जो हम सोचते रहते हैं उसके अपोजिट सोचना है बिल्कुल वही मेडिटेशन का आज मेन मर्म रहेगा क्यों क्योंकि मैं उसको समझाऊंगा पूरा विस्तार से उसके बाद ध्यान कराऊंगा गीत जो है आज इसी से इसी से मिलता जुलता है यदि हम भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं तो फिर हम परेशान क्यों होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ऐसा ही सोचते सोचते कहीं ऐसा सोचने लगे आसमान तो नहीं नीचे गिर जाएगा कहीं कई कही बार असंभव कल्पनाएं करने लगते हैं समुद्र में बाढ़ आ गई और यहाँ आ गया पानी समुद्र तो गंगा में बाढ़ आ गई गंगा से हम बह गए तो ऐसे कई चीज़ें दिमाग में आती हैं तो उस समय हमको भगवान के विराट रूप की कल्पना करनी चाहिए भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान आप हमारे हमेशा हमें साथ रखिए हमें साथ साथ चलिए साथ लेकर के चलिए उसी की का है इस गीत में अपनी राह चला लो गुरुवर अपनी राह चला लो अपनी राह चला लो गुरुवर अपनी चला लो हमें साथ ले हाथ हाथ ले हमें साथ ले हाथ हाथ ले अपना रास रचा लो गुरुवर अपनी राह चला लो अपना रास रचा लो गुरुवर अपनी राह चला लो चरण हमारे चाल तुम्हारी चढ़वर ताल तुम्हारी चरण हमारे चाल हमारी ਨਟਵਰਗਤੀ ਲੈ ਤਾਲ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਹਮਾਰੇ ਚਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨਟਵਰਗਤੀ ਲੈ ਤਾਲ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਕੇ ਪਾਤਰ मात्र हम ਸੰਜੋਗਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਕੇ ਪਾਤਰ मात्र हम संयोजना विशाल तुम्हारे पात्र मंच पर होता जैसा पात्र मंच पर होता जैसा वैसा हमें बना दो गुरुवर अपनी राह चला लो अपनी राह चला लो, लो गुरुवर अपनी चला लो प्राण हमारे सांस तुम्हारी आन हमारे सांस तुम्हारे मातृ बाँसुरी देह हमारी मातृ बाँसुरी देह हमारे जीवन का संगीत तुम्हारा गीतों को है आश तुम्हारी जीवन का संगीत तुम्हारा हो है आश तुम्हारे प्राण फूक बोली बंशी में प्राण फूक फूली बंसी में शाश्वत स्वर में गालो ग अपनी राह चला लो अपनी राह चला लो गुरु अपनी चला लो जीवन आहुति लें जीवन आहूति कायस ले जीवन आहुति कायस ले स्वस्थ सुगंधि सृष्टि में फैले स्वस्थ सुगंधि सृष्टि में फैले हम जब पावन यज्ञ रचाए फिर जनमन कृताप क्यों झेले हम जब पावन यज्ञ रचाए फिर जनमन कृताप क्यों झेले शापित तापित जनजीवन पर शापित तापित जनजीवन पर स्नेह स्वभाव बरसा दो गुरुवर अपनी राह चला लो अपनी राह चला लो गुरुवर अपनी राह चला लो कौन साथ ले हाथ हाथ ले हमें साथ ले हाथ हाथ ले अपना रास रचा लो गुरुवर अपनी राह चला लो अपनी राह चला लो गुरुवर अपनी राह चला लो अपनी राह चला लो गुरुवर अपनी राह चला लो चला लो अपनी राह कुछ प्रश्न हैं मैं बहुत टेंशन करती हूँ छोटी छोटी बातों पर चिड़ जाती हूँ मेरा माइंड बड़ा डिस्टॉर्ट होता है आप मुझे सुझाव दें बेटा ये सुझाव के लिए क्लास है आज तुमको बहुत सारी राह मिलेगी कि हमें कैसा ध्यान करना चाहिए जिससे कि हम चिड़ें नहीं टेंशन में ना आए सो हाथ से कमाना हज़ार हाथ से बांटने का क्या मतलब है शतहस्तम हस्तम समाहारा सहस्त्र हस्तम संकिर शत समाहारा हाथों से कमाओ हजार हाथों से बांटो सहस्त्र हस्तम संकीरा। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ लाखों हाथों से उसको फिर बांटो जितना भी बांटो बटोरो उतना ही फिर बांटो जितना बांटो उससे ज़्यादा इकट्ठा करो पाओ बदले में मतलब यह कि जो आदमी जो आदमी कमाने के बाद जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ज़्यादा बांटता है उसको मिलता भी उतना ही है ये उपनिषद का सूक्त है और उपनिषद का सूक्त से मतलब है कि अगर आप जैसे गुरुदेव ने दस पैसा बीस पैसा एक रुपया रोज एक दिन की कमाई ये वाली बात कही तो इसलिए कही कि तुम जो दोगे और जो अपनी कमाई का हिस्सा दोगे तो उसके बदले में तुमको कई गुना मिलेगा हजार हाथों से बांटो सब जगह जहाँ भी स्वास्थ्य संवर्धन के आपदा प्रबंधन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें तुम देने की कोशिश करो उनमें बांटने की कोशिश करो न कुछ न कुछ काम चैरिटी का से चलता रहे सौ हाथों से कमाओ हजार हाथों से बांटो लाखों हाथों से वापस पाओ मिलेगा तुमको वापस अगर हमें लगता है कि हमें सही करने के बाद ही भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया मैंने जब भी किसी को पूछा तो मुझे ये जवाब मिला कि पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है तो मुझे ये पूछना है कि भगवान पिछले जन्म के कर्म से अगले जन्म में क्यों देते हैं जिस जन्म में गलती करते हैं उसी जन्म में दे देते हैं मतलब जैसे झूठ बोला हाथ में तुरंत फपोले पड़ जाना चाहिए किसी के बारे में कुछ सोचा तुरंत चेहरे पे चारों तरफ कोड़ हो जाना चाहिए ऐसा नहीं होता कर्म का सिद्धांत बिल्कुल विलक्षण है कर्मों की थ्योरी जो है ना तो अगणित वर्षों से अगणित शास्त्राब्दियों से चली आ रही है एक ही थ्योरी है एक ही सिद्धांत है कर्म का परिपाक होता है परिपाक यानी मैच्योरिटी होती है उसकी जब कर्म पक जाता है तो निकलता है और कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हमको ये क्यों हो रहा है हमको क्यों परेशानी हो रही है क्यों दिक्कतें आ रही हैं क्यों हमारे हमारे से गलत गलत काम हो जाते हैं क्यों हमसे पाप हो जाते हैं क्यों हमारे पुण्य क्षय होते जा रहे हैं क्यों हमको इतनी तकलीफें सहन करनी पड़ रही है। इसका कारण कर्मों की थ्योरी है कर्मों का सिद्धांत है तो अच्छा क्या है सुकृत करो सुकृतों के माध्यम से दुष्कृतों को मिटाओ अच्छे कर्म के माध्यम से दुष्कर्मों को मिटाओ तो वो धीरे धीरे करके कटते चले जाएंगे कर्म अच्छे कर्मों से कट कर जाते हैं गुरुदेव की किताब है गहना कर्मणों गति उसको पढ़ना गहना कर्मण गति में सब लिखा है पूरा डिटेल में पिताजी के गुरु माता पिता से बढ़कर होता है हाँ बेटा गुरु माता पिता का भी गुरु है और हम सब का भी गुरु है माता ने जन्म दिया पिता ने हमें पाला पोसा पर गुरु ने हमें आध्यात्मिक जन्म दिया है और गुरु हमारा जो है वो हमारे हर इस लोक की परलोक की पर सारी बातों को जानता है पिछले जन्म की भी बातों को जानता है इसलिए गुरु को एक बार समझ लिया मान लिया तो, तो फिर उसके बाद उसको सब कुछ सौंप देना चाहिए असफलता को क्या हम भाग्य पर छोड़ सकते हैं क्या असफलता भाग्य से जुड़ी है नहीं बेटा भाग्य पर नहीं छोड़ना असफलता मतलब असफल असफलता का प्रयास का मतलब अर्थ ये कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ गुरुदेव का वाक्य याद है तुमको असफलता का अर्थ है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं फिर से करो फिर से करो राजा था जॉर्ज एडवर्ड इंग्लैंड का वो एक खंडहर में बैठा था उसने देखा कि एक मकड़ी ऊपर जाती है जाला बुनने की कोशिश करती है फिर गिर जाती है तो उसने देखा कि मैं तो ग्यारह बार मैंने युद्ध किया ग्यारहों बार में बार बार हार के यहाँ आया और अब आके बैठा हूँ तो मैं सेना भी नहीं मेरे पास मैं क्या करूँगा उसने उस मकड़ी को देखा कि मकड़ी फिर चढ़ी चढ़ी 21 बार चढ़ी ऊपर 21 बार चढ़ने के बाद उसने जाला बना लिया उसको एक राह मिल गई पूरा पूरे मन से मैंने प्रयास नहीं किया मैं फिर से प्रयास करूँगा उसने जा कर के अपनी टीम फिर से गठित की फिर से राज्य बनाया और राज्य को संगठित करके और उसके माध्यम से फिर लड़ाई लड़ी और फिर जीत गया और फिर से वो राज्य राज राज ओ भू स्वा तत्सवी दुर्व्यम ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मातृवत्लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायी श्रद्धा प्रज्ञा श्रद्धा प्रज्ञा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों छात्र छात्राओं आज जिस चीज पे हम विचार करने जा रहे हैं विपरीत पे विचार करने जा रहे हैं ध्यान में हम एकाग्र होते हैं तन्मय होते हैं तल्लीन होते हैं यह हमारे जीवन की आदर्शों के प्रति होती है जीवन के आदर्शों के प्रति तल्लीनता होती है हमको क्या बनना है हम क्या बनना चाहते हैं अगर हम ये सोचें ध्यान में कि हमें क्या बनना है तब तो हमें ध्यान में मन लगेगा तल्लीनता होती जाएगी परंतु तो यदि हम केवल विचार शून्य बनने की सोचें तो विचार शून्य नहीं, नहीं बन सकते तो हम ये सोचें क्या बनना चाहते हैं कैसा बनना चाहते हैं हमने अपने कल्पनाओं में परि जीवन मूल्य का क्या क्या निर्धारण किया जीवन मूल्य क्या होंगे हमारे लिए क्या होंगे जीवन मूल्य किस करें? किस तरह के होंगे भगीरथ की तरह से नचिकेता तो की तरह से निविदता तो की तो तरह से स्वामी विवेकानंद की तरह से परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से परमता जी की तरह से किस तरह के हमारे जीवन मूल्य होंगे ये आपको सोचना है यही हमारे ध्यान का विषय होता है ध्यान जीवन को आकार प्रकार देने की और नए सांचों में गढ़ने की प्रक्रिया है ध्यान की परिभाषा ध्यान जीवन को आकार प्रकार देने की और नए सांचे में गढ़ने की प्रक्रिया है जीवन को एक नया ढांचा दे देता है अगर ध्यान सही ढंग से हो जाए तो वास्तव में जीवन हमारा नए सांचे में ढल जाएगा और एक नया आकार मिलेगा नया प्रकार नया स्वरूप मिलेगा हमारे जीवन को हमारा वर्तमान जीवन अभी जो जी रहे हम लोग ये हमें चाहतों के विपरीत है हम नहीं चाहते कई चीज़ें हम नहीं चाहते उसके विपरीत है हम देखें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं हम कभी हैरान हैं कभी गुस्से में हैं कभी चिड़ जाते हैं बुरी तरह से कभी पटरी नहीं बैठ रही है किसी से बार 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 हम अपने जीवन में निगाह डालें तो 90 परसेंट लोग गुस्से में दिखेंगे तुमको 90 परसेंट लोग निराशा में दिखेंगे 90 परसेंट लोग कुंठाओं में दिखेंगे फ्रस्ट्रेशन में दिखेंगे ये हमारे जो परेशानियां हैं कार्यक्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन जीवनचर्या से भी जुड़ी हुई हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अनेक तरह के संदेह हमारे मन में घुसे हुए हैं हमारे दिमाग में कई तरह की नकारात्मक कल्पनाएँ हैं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये जो नकारात्मक कल्पनाएं हैं ये साकार रूप ले सकती हैं यदि आप कंटिन्यूस सोचेंगे उनके बारे में क्यों क्योंकि क्यों आप तो ध्यान कर रहे हैं उनका भाई कुछ नहीं हो तो प्रकारांतर से आप नकारात्मकता का ध्यान कर रहे हो नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना हो तो कैसे बदलना चाहिए वो आज का ध्यान है हमारे आसपास बहुत सारा ऐसा है जो हमें ठीक नहीं लगता आत्मसत्ता के लिए हम ये मान लें कि हम आत्मसत्ता हमारे साथ है सत्ता हमारे साथ है फिर कोई चिंता नहीं होगी एक छोटा श्लोक है बहुत सुंदर सा ये है तेरहवें अध्याय का सोलवा श्लोक गीता के तेरहवें अध्याय का सोलहवा श्लोक थर्टीन ऑब्लिक सिक्सटीन अविभक्तम च तुम उसका हिंदी अर्थ लिख लेना अविभक्तम च भूतेशु विभक्तमयु च स्थितम अविभक्त होते हुए भी सारे जीव जंतु सारे जीवों में विभाग रहित होकर भी एक रूप में आकाश के सदृश विभक्तम स्थितम वह स्थित है भूत भर्त अब इसका हिंदी अर्थ है। विभाग होते हुए भी एक रूप में विभाग रहित होते हुए भी एक रूप में आकाश के सदृश आकाश को परिपूर्ण माना गया है आकाश सीमांत उसकी सीमा नहीं होती परिपूर्ण होते हुए भी चराचर संपूर्ण भूतों में अब यहाँ से देखो तो यहाँ का आकाश अलग मुझे शाम को एक व्हाट्सअप मिला मेरे इंदौर के साथी ने भेजा आज इंदौर का आकाश न जाने क्यों संयुक्त था बस। मैं आज जिसकी इसको पढ़ रहा था तैयार कर रहा था ऐसे उसी बीच मेरे पास आया खूब सारे बादल खूब सारे ये पतंगे उड़ रही हैं इंदौर का आकाश अब इंदौर का आकाश और यहाँ का आकाश अलग अलग है विभक्त सा प्रतीत होता है ये अर्थ ये आता है कि परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है एक है जबकि विभक्त सा प्रतीत होता है तथा वही परमात्मा वही परमात्मा विष्णु रूप में रुद्र रूप में और ब्रह्मा रूप में काम करता है वही परमात्मा इन तीन रूपों में काम करता है ये जो है ना जिसमें तीन शब्द आए हैं ग्रसिष्णु यानी विष्णु शिव ग्रसिष्णु यानी विष्णु शिव प्रभ विष्णु यानी ब्रह्म और भूत भर्तृ्य यानी विष्णु विष्णु ब्रह्मा और शिव इन तीनों रूपों में विभक्त प्रतीत होता है पर वो है एक ही परमात्मा एक ही है ये वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण श्रोत है श्लोक है और तेरवा अध्याय जो है वो ज्ञान योग की शुरुआत है बड़ा कठिन है अध्याय है परंतु तो बहुत सुंदर है समझने में मैं आगे बताता जाता हूँ ये सारी भगवान की लीला है कि भगवान एक ही है और उस आत्मसत्ता के लिए हम ये मान लें कि है हमेशा परमात्मा है चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो तीनों में विभाजित होते हुए भी एक है और परमात्मा हमारे ऊपर है विराजमान इतने बड़े आकाश के रूप में हो सकता है यहाँ का आकाश दिल्ली का आकाश नजीबाबाद का आकाश लाल लालडंग का आकाश नजीर इधर का आकाश रायवाला का सबका अलग अलग हो परंतु तो है सब एक ही अविभक्त सा प्रतीत होता है पर है अविभक्त बिना बटा हुआ एक ही है सारा अक्सर आकाश यहाँ से दिल्ली तक हम यात्रा करते हैं बीस पच्चीस मिनट में हमारी फ्लाइट हमको पहुंचा देती है इन दिल्ली तक तो यहाँ से वहाँ तक जाते जाते आकाश के जगह कई रूप दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं आकाश अलग अलग है आकाश एक ही है पर अलग अलग जगह अलग अलग, अलग रूपों में दिखाई पड़ता है लॉर्ड वेलिंगटन थे समुद्र में यात्रा कर रहे थे लॉर्ड वेलिंगटन के नाम पर एक सिटी बसी है तुमको याद है कौन सी कौन सी सिटी है वेलिंगटन सिटी है वेलिंगटन ये इसके पास है ऊटी के पास ऊटी के पास हो वहाँ पर अपनी आर्मी की फोर्स है हमारे रजिस्टर साहब के भाई वहाँ पोस्टेड है ना वेलिंगटन में ने? जी तो वेलिंगटन बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है वेलिंगटन उन्हीं के नाम पे उनका बसाया हुआ है जॉर्ज वेलिंगटन नाम था उनका समुद्र में यात्रा कर रहे थे बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया ऐसा लगा नौका डूब जाएगी वो शांत थे वो शांत थे बराबर भगवान का ध्यान कर रहे थे उनकी पत्नी बड़ी चिंतित वो बार बार उनके पति को हिलाएं बार बार परेशान करें अरे आप कुछ करते क्यों नहीं आप कुछ सोचिए तो सही इसके बारे में तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गले पर लगा दी पत्नी के गले पर लगा दी बोले हमसे डर लगा तुमको क्या कि हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे बोले आप थोड़ी हमें मारते हमको लग रहा था कि आप हमें मारेंगे नहीं जब हम तुमको नहीं मारेंगे तुम्हें हम पे विश्वास है तो हमारी तरह तुमको भगवान पे विश्वास रखना क्यों नहीं आता जैसे तुमको हम पे विश्वास है कि हम नहीं मारेंगे ऐसा भगवान पे विश्वास रखना सीखो ना कि भगवान है भगवान नहीं मारेगा हमको आज नौका नहीं डूबेगी और नौका थोड़ी देर में स्थिर हो गई तूफान चला गया ऐसे तूफान हम सबके जीवन में आते रहते हैं तरह तरह के तूफान माता पिता नाराज़ हो गए दोस्त नाराज हो गया घर में परेशानियाँ हैं ढेरों में परेशानियाँ हैं तरह तरह की परेशानियाँ हैं फसल खराब हो गई हम शायद फीस भी नहीं दे पाएंगे फीस नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे हम क्या परिस्थितियाँ होंगी कैसे कैसे विषमताओं के जाल हमारे सामने आते रहते हैं पढ़ाई नहीं की अभी तक एग्जाम सामने आने वाले हैं ये सारे के सारे जो है ये चीजें आती हैं जीवन में तो जब विश्वास है कि परमात्मा है तो फिर उस पर विश्वास करके चालू कर दो आज से पुरुषार्थ अपने प्रयास में कोई कमी मत रखो अपने प्रयास चालू रखो सबसे ज्यादा दुखी वो होता है जो उद्विग्न होता है सबसे ज़्यादा सुखी वो होता है जो अनुद्विग्न होता है उद्विग्नता हमारे दुखों का कारण है गीता में बहुत बढ़िया श्लोक आता है जिसको कि ओ माय गॉड में भी बोला गया था पिक्चर आई थी ना ओ माय गॉड तुमने देखी थी उसमें उस, उस श्लोक को सुना करके उन्होंने जस साहब को चुप किया था ये स्थित प्रज्ञ के गुण बताए इसमें स्थित प्रज्ञा गुण है छप्पनवा श्लोक है दुखेश अनुद्विग्न मनाहा दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता उद्वेग ना उत्वेग ऊंचा उड़ जाए वेग उत या ने बैठा हुआ वेग याने हमारे मन का वेग गति बहुत गुस्से में आ गए हम लोग बहुत बहुत उद्विग्न हो गए उद्विग्न उद्वेग ये सब वर्ड एक ही चीज़ से जुड़े उत से जुड़े हुए उत उत के साथ जुड़े हुए उदासीन उत पे आसीन ऊपर बैठा हुआ हम उदासीन हो जाए मन ऊपर बैठा हुआ है हमारा तो फिर कभी कभी दुख नहीं होगा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ति में जो निष्प्रह है कोई मतलब नहीं सुख आ गए कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं कई लोगों से मिला हूँ मित्रों मैंने देखा सुख की प्राप्ति के बाद भी वो दुख 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 से भरे रहते हैं कहीं इनकम टैक्स की रेट तो नहीं बढ़ जाएगी कहीं ये चोर जो हमें जो है ये काम करने वाले हैं ये चोर तो नहीं निकल आएंगे कहीं पैसा तो नहीं चुरा लेंगे कहीं हमारे बेटे ही बेटे ही हमको तो नहीं लूट लेंगे दुनिया भर के जो ये चलते हैं इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह सब इसीलिए चलती हैं कि लोग भयभीत हैं पैसा होने के बावजूद तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं वीत राग भय क्रोध राग भय और क्रोध वीत वीत यने नष्ट हो गए हैं स्थित धी ही ऐसा मुनि ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है ये स्थिर बुद्धि तो बड़ा मुश्किल है ये तो सिद्धि है स्थिर स्थिर बुद्धि होना दूसरे अध्याय के अंतिम सोलह श्लोक हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है श्लोक एक से एक अठारह श्लोक सॉरी चौवन से लेकर बहत्तर तक पूरी पूरी परिभाषा स्थित प्रज्ञ की है अब तुम में से जो भी बच्चा या जो भी जो भी मेरी बिटिया स्थित प्रज्ञ के लक्षण लिख के लाएगी कागज़ पे अगली बार गीता की क्लास में मैं तो तुम में से ट्राई करो मैं उसको पुरस्कार दूंगा मेरा पुरस्कार बढ़िया होगा छोट घटिया नहीं होगा बहुत ज़ोरदार होगा तुम स्थित प्रज्ञ के क्या क्या लक्षण होते हैं ठीक है थेके? अर्जुन पूछता है कैसे चलता है कैसे बैठता है कैसे सांस लेता है तो भगवान गुण गुण बताते हैं तो गीता के 18 श्लोक पढ़ना और उसके लक्षण लिखना ठीक तो है ध्यान के साथ भी यही बात है अनुद्विग्न बने रहो बिना उद्विग्नता के सैटेलाइट छोटा सा होता है छोटा सा आसमान इतना बड़ा हम फेंकते हैं उसको तो एस्केप वेलोसिटी देते हैं हमारे जो अब्दुल कलाम साहब थे उनको सैटेलाइट मैन के द्वारा के नाम से जाना जाता है क्यों उन्होंने ढेर सारे सैटेलाइट के लिए आविष्कार किया ढेर सैटेलाइट के लिए उन्होंने खोज की और उसके लिए उन्होंने अनुसंधान किया इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हमारा जो है वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है पूरा का पूरा एस्केप वेलोसिटी देते हैं तो ग्रेविटी पहले खींचती है जोरों से ग्रेविटी जाने नहीं देती परंतु हम इतनी ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं उसको इतनी गति देते हैं कि उसको धरती कक्षा के पार कर दें और जैसे ही धरती कक्षा के पार हो जाता है तो वो संघर्ष करता करता ऊपर जाता है और ऊपर जाकर वो सैटेलाइट उपग्रह बन जाता है ऊपर धरती कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाता है चारों तरफ स्थिर हो जाता है हमें केवल एक एक बार वेग वेग के साथ अपने आप को ऊपर फेंक देना है बस उस वेग को पैदा करना आपको ही है किसी और को नहीं पैदा करना आपको वेग पैदा करना प्लेन जब चलता है तो प्लेन तो टप से गिर जाएगा अगर उसके अंदर वो ताकत नहीं होगी इंजन में इतनी ताकत होती है कि प्लेन कम से कम उस उस स्पीड पर पहुंच जाए जहां पर आकर के वो स्थिरता से फ्लाई कर सकता है और इसके पीछे पूरी फ्लाइंग मशीन लगी हुई है पूरा पूरा इक्विपमेंट है उसका ताकि वो नीचे न गिरे जब नीचे उतरता है तो वो टप से नीचे नहीं गिर जाए आराम से धीरे धीरे नीचे गिरे उसको उतारने की कला है चढ़ाने की कला उतारने की कला प्लेन की हो चाहे सेटेलाइट की हो ये सारी की सारी ये बताती है कि संघर्ष पर निर्भर करता है आपका हम भी जीवन में संघर्ष करें और धरती की कक्षा जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी की कक्षा को पार करके ऊपर चले जाएँ ग्रेविटी आकर्षण है ग्रेविटी नीचे खींचने का काम करती है लालच आकांक्षाएं संसार दुनिया भर की वासनाएं तृष्णाएँ ये हमको नीचे खींचती हैं हम ऊपर नहीं उड़ पाते ऊपर नहीं चल पाते वो कैसे ऊंचा उड़ गया है वो कैसे ऊंचे पहुंच गए उन्होंने उस कक्षा को पार कर लिया ऊपर पहुंच गए ऊपर निकल गए ध्यान भी जीवन और प्रकृति के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया का नाम है जीवन और प्रकृति के साथ सामंजस्य हम अपने व्यक्तित्व को ध्यान में ऐसा गढ़ लेते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी उद्वेलित करें हमें हम संतुलित संतुलित होना सीख जाते हैं संतुलित होना सीख जाते हैं संतुलित होना सीख जाते हैं तो ध्यान क्या है ध्यान एक रूपांतरण है ध्यान एक प्रकार से एक रूपांतरण है एक ट्रांसफॉर्मेशन है हम सही सही मनुष्य बन जाते हैं ध्यान करना आ गया इसका मतलब सही सही मनुष्य बन गए बस ये ध्यान इसलिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है विपरीतताओं पर ध्यान करना एडवर्सिटीज़ के ऊपर प्रतिकूलताओं के ऊपर जिनसे भी हम परेशान रहते हैं उनका ध्यान करो कल्पना करो क्या क्या कल्पना हो सकती है मैं को मैं बोलता हूँ दो तीन तुम बोलो दो तीन तुम बोलो परीक्षा में फेल तो नहीं हो जाएंगे म, मम्मी पापा नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे दोस्त हमारा नाराज़ तो नहीं हो जाएगा कहीं हमारे ऊपर पंखा तो नहीं गिर जाएगा ऊपर से कहीं ऐसा तो नहीं बिजली गिर जाए और यहीं शांति कुंज में यहीं यूनिवर्सिटी में गिर जाए कहीं बाढ़ तो नहीं आ जाएगी गंगा का पानी निकल के यहाँ तो नहीं आ जाएगा कहीं टेरी डैम फूट तो नहीं जाएगा जो यहाँ आ जाएगा पूरा पूरा पानी ये विपरीतताएँ हैं प्रतिकूलताएँ है, जो हम सोचते रहते हैं अनावश्यक तुम बोलो तुमको कुछ याद आता हो तो बोलो हाँ तो परीक्षा के दिन पास आएंगे पेपर तो आएगा <laughs> परीक्षा के दिन पास आ रहे हो तुमको पास होना है पास होना है तो अभी से मेहनत करनी है वो तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए है और कोई तुम में से कुछ बोलो अटेंडेंस शॉर्ट होने वाली अभी से अटेंडेंस पे ध्यान दो अभी से ध्यान दो कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी मैं भी मदद नहीं करूंगा तुम्हारी इसलिए वो जो जितने तुम्हारे हाथ में है पुरुषार्थ वो तो तुम करो अटेंडेंस को मेंटेन करना मक्कारी नहीं करना भागा दौड़ी इधर उधर नहीं करना बल्कि पूरी तरह तो क्लासेज अटेंड करना ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है भाई या तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में तो एटी परसेंट अटेंडेंस तो हमने लिबरल बनाई है नहीं तो नाइन्टी परसेंट होना चाहिए अटेंडेंस <laughs> पूरी तरह से होनी चाहिए नाइन्टी परसेंट बीमारी के लिए दस परसेंट क्या हम तो बीस परसेंट भी छोड़ देंगे अगर जेनुइन होगी तो मतलब तो जिन्यून बीमारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मैं बुखार में भी आदमी क्लास अटेंड कर सकता हमने अटेंड किया है ड्रिप लगी हुई थी ड्रिप लगी हुई हम ये टैप लगा करके और हमने जाके डिसेक्शन का वो क्लास अटेंड किया है पूरा पूरा क्यों हम मिस कर जाते तो हमारे लिए थोड़ी रुकता कोई क्लास क्लास तो आगे बढ़ जाती जब सब कुछ कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते है? तो इसलिए कोशिश करो कि तुम लोग यंग हो अभी तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है और कोई विपरीतता तुमको याद आती है ऐ कोई आतंकवादी ना आ जाए ये भी, भी, भी ये कई कई कल्पना है ना कई कुकल्पना कई तरीके हो सकती हैं आतंकवादी ना आ जाए विस्फोट ना हो जाए पाकिस्तान अटैक न कर दे हमारे ऊपर क्या हम क्या कमजोर हैं क्या हम भी लड़ेंगे पूरी तरह से ठीक है व्यक्ति जो है तुरंत क्रोधित होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए तुरंत आक्रोश में आने वाले उद्युग्न होने वाले व्यक्ति क्या करना चाहिए अपना ध्यान चित्र लाए थे कहा रखा है अच्छा इस पर अपना ध्यान इनके ऊपर लगाना चाहिए तुरंत क्रोधित होने वाले व्यक्ति को अपना ध्यान बुद्ध के ऊपर लगाना चाहिए बुद्ध के ऊपर क्यों लगाना चाहिए क्योंकि बुद्ध जो है शांति के प्रतीक है करुणा के प्रतीक है शांति के प्रतीक है ध्यान के प्रतीक है ध्यान का आधार है ये एक कालजयी पुरुष जिन्होंने अपने आप को ध्यान के माध्यम से स्थापित किया और अपने से अपने माध्यम से न जाने कितने लोगों को जोड़ा अहिंसक बनाया कुछ लोग जैसे हम बचपन में हम भी थे तो हम भी बोलते थे बो, बात बात में गाली निकल जाती थी कई बार पहले गाली बोलते हैं फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वाणी संयमित होती है गायत्री मंत्र के माध्यम से शाश्वत चिंतन करते करते स्वाध्याय करते करते जब जब प्रभावी होने लगता है तो हमारी वाणी से गाली नहीं निकलती क्यों हमने साध लिया अपनी वाणी को जीप को साध लिया हमने धीरे 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 हमारी वाणी सौम्य हो जाती है हमें परेशान करता है बैर हमें परेशान करती हैं आसक्तियाँ है। हमें परेशानी कर परेशान करता है जलन मेरे बाद क्या होगा मेरे बाद क्या होगा मान लो मैं चला गया तो मेरे बाद क्या होगा मेरे मम्मी पापा क्या होगा मेरे दोस्तों क्या होगा मेरे मेरे गु, गु, सर जो है उनका क्या होगा डॉक्टर साहब का क्या होगा मेरे बाद मतलब ये भी कल्पना कर सकते हो ना कि क्या हो सकता है इतना प्यार करते हैं हमसे और मेरा मैं चली गई और मैं चला गया तो क्या होगा मेरे बाद ये भी कुकल्पना है ये नहीं सोचना हम चिंतित क्यों हैं क्योंकि हम अहंकार पे भरोसा रखते हैं मैं पे भरोसा रखते हैं रावण को किसने मारा बताइए किसने मारा अहंकार ने मारा किसने मारा मैं मारा है ना? रावण शक्तिशाली था रावण बहुत ज्यादा मतलब चक्रवर्ती था पैसा खूब था बल खूब था सब कुछ था पर उसके मैंने उसको मार दिया दे। देखो वासना थी और सीता को हरण करके लाया पर उसने छुआ तक नहीं वो उसका जो अंदर का तपोबल था तपोबल था उसकी वजह से उसने अपने आप को दूर रखा और उसने कहा जब तक ये स्वेच्छा से नहीं मानेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा इसके पास सीता का बल होगा सीता के बल के कारण नहीं पास आया उसका बल होगा कि वो खुद उसके पास नहीं गया पर उसके बाद उसके ने उसको नष्ट कर दिया उसके मैं नष्ट कर दिया हम मैं पर अहंकार पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं है ना हमारा क्षुद्र क्षूद्रता पर ज़्यादा भरोसा है हमारा विराट पर भरोसा नहीं है शुद्धता पे ज़्यादा भरोसा है विराट आकाश परमात्मा इतना विराट हमारा परमात्मा इसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं हमको हम क्यों नहीं विश्वास कर पाते परमात्मा पर विश्वास करना जिस दिन सीख लेंगे तो हमारा भरोसा अपना भगवान पर होगा अहम पर नहीं अहम पर नहीं होगा अपने अहम पर विश्वास मत करो पैसे वालों को अपने धन पर विश्वास होता है बड़ा विश्वास होता है बड़े जोरदार आ, सुरक्षा की व्यवस्था से लेकर हर चीज़ पे सि 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 सिक्योरिटी कैमरा सीसीटीवी सि वगैरह सब लगा के रखते हैं इसके बावजूद भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं व्यसन आ जाते हैं घर में कई तरह की तकलीफें आ जाती हैं क्यों क्योंकि मैं पे विश्वास है उनको परमात्मा पर विश्वास नहीं है पतंजलि के सूत्र में एक सौ पंचानवे श्लो, श्लोक श्लोक हैं है ना तुमको मालूम है ना वन नाइन्टी फाइव है पतंजलि सूत्र उसमें वन नाइन्टी फोर को एक तरफ रख दो और एक एक सूत्र ले लो कौन सा तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान ले लो पहला एक मात्र सूत्र ईश्वर परिणाम एक तरफ बाकी एक सौ चौरानवे एक तरफ सबसे भारी वो पड़ता है क्यों ईश्वर परिणधान में समाधि सिद्ध होती है ईश्वर पर छोड़ दिया आपने और ईश्वर के ऊपर आपने बात रख दी तो ईश्वर सब कुछ कर लेगा आपके ईश्वर के ऊपर निष्ठा बाकी सारे स्वरूप एक तरफ बाकी सारे सूत्र एक तरफ ईश्वर की शरणागति हो जाना है ईश्वर ईश्वर इश, परिधान या ना ईश्वर की शरणागति हो जाना भाव सघन होने चाहिए हमारे दिमाग का कोलाहल हमारे जीवन का चैन खींच रहा है बार बार छीन रहा है हमारे दिमाग में खूब कोलाहल चलता है निरंतर चलता रहता है अभी क्लास चल रही है कम से कम 50 परसेंट लोगों के दिमाग में कोलाहल चल रहा होगा कई प्रकार का जैसे अटेंडेंस के बारे में बोल दिया ना आज तो वो हो गया वो चालू वो हो गया कोलाहल और पेपर बन रहे होंगे तो उसका कोलाहल चालू हो गया पेपर बन पेपर में क्या आने वाला है मैं बता दूँगा तुम लोगों को तुमको पता चल जाएगा क्या क्या आने वाला है कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम लोगों को <laughs> मैं क्यों बताऊंगा भाई तुमको <laughs> तुमने मेरे पर विश्वास कैसे कर लिया ईश्वर पर विश्वास करो भाई अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो ठीक इससे कैसे बचें जीवन का चैन छीन रहा है जीवन दिमाग का कोलाहल तो इससे कैसे बचें दिमाग का शोर उसका ट्रीटमेंट एकमात्र एक है ध्यान दिमाग के शोर का ट्रीटमेंट है ध्यान दिमाग हल्ला मचाता रहता है अंदर से उसका शोर का ट्रीटमेंट है ध्यान वीतराग पुरुषों का ध्यान वीतराग जो राग से परे चले गए हैं वीतराग पुरुषों का ध्यान कौन कौन हो सकते हैं भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान बुद्ध सभी शुद्ध बुद्ध पतंजलि परम पूज्य गुरुदेव रमण महर्षि श्री अरविंद स्वामी विवेकानंद ये सब वो हैं जो ठहरे हुए हैं ठहरे हुए हैं रुके हुए जिसका भी ध्यान करो वो ठहरा हुआ होना चाहिए वो हल्ला तो यहाँ मचा हुआ है और हल्ले वाले को तुम ढूंढ रहे हो कौन शॉट लगाने वाला बल्ले के बल्ले के माध्यम से उसको ही उसको हीरो मत मानो वो ठहरा हुआ नहीं है ठहरे हुए को मानो अपना सिद्ध पुरुष प्रसिन जीत कौशल राज्य का सेनापति था राजा था वहाँ का और अंगुली माल जो है वो उसने उसकी सेना को पराजित कर दिया था पकड़ में नहीं आ रहा था बुद्ध के पास गए प्रसन्न उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान इससे बचाइए हमको तो उंगलियां काट काट के माला पहनता है अंगुली माल के पास हमें डर नहीं लगता हम जाएंगे तो अंगुली माल के पास गए वो तो अंगुली माल चिल्लाया ए भिक्षुक तू ठहर जा वहीं पे ठहर जा तो बुद्ध ने कहा कि मैं क्यों ठहरूं ठहरना तुझे पड़ेगा तू ठहर जा तू ठहर जा मैं तो ठहरा हुआ हूं ना जाने कितने वर्ष हो गए जब मैं जिस दिन आया और एक बो, बोधि वृक्ष के नीचे मैंने बैठ के ध्यान लगाया उस दिन से ठहरा हुआ मैं तू ठहर जा तू चल रहा है कंटिन्यूस चल रहा है निरंतर चल रहा है इसी में तू उगलियाँ काटता है इसी तो इसीलिए तू इतनी हिंसा करता है मैं तो चौबीस साल पहले ठहर गया था तू क्यों चल रहा है तू निरंतर चल रहा है तू ठहर जब बुद्ध पास आए तब समझा वो कि ये कौन है उनके सानिध्य में जो शांति मिली उसके बाद जो संदेश मिला और उसके बाद उसने मन का ठहरना जाना कि मन का ठहरना क्या होता है मन का ठहरना यानी हलचलों का मिट जाना और हलचलों का मिट जाना ध्यान है मन का ठहरना हलचलों का मिट जाना ध्यान है जैसे ये रुक जाए आप समझ लो ध्यान होने लगा हम सोते बैठते नहीं है हम भागते रहते हैं नींद में भी कई बार उंगलियां चलती रहती हैं कई बार लोग कुछ बोलने लगते हैं नींद में मुझे तो संयोग से, से आवाज़ नींद में इतनी घरी आती है कि मुझे आ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ हम सोते बैठते नहीं हैं भागते रहते हैं निरंतर क्योंकि हमारी समस्या मन है चौबीस घंटे भागता रहता है इस दौड़ भाग का थमना चौबीस घंटे भागने वाले मन का थमना ध्यान है चौबीस घंटे भागने वाले मन का थमना ध्यान मैं तुमको एक क्वेश्चन और दूंगा अभी तो मैंने आज दिया अस्थित प्रज्ञ का बाद में दूंगा कि ध्यान की परिभाषाएं बताओ कितनी तरह की परिभाषाएं तुमको परिभाषाएं अपनी नोट्स में से निकालनी पड़ेंगी चौबीस घंटे चलने वाली भागदौड़ का थमना ध्यान है त्रिमूर्ति हैं कल्पना करो त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश पहले विष्णु के बारे में सोचते हैं विष्णु के बारे में सोचते हैं शांताकारम भुजग शैनम शांत हैं बिल्कुल भुजक्षण हम सांपों पर लेटे हुए हैं शीर सागर में बगल में अपने सांप हो तो हमको कभी नींद ही नी नहीं आया अरे यार कहाँ सांप को बिठा दिया और कहीं काटेगा का नहीं मान लिया परंतु तो फिर भी सांप तो सांप ही है पर वो तो पूरी सांपों की शै, शैया पे सोए हुए सो रहे हैं वो शांत है और आराम से सो रहे हैं लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और वो आराम से सो रहे हैं विष्णु का ध्यान करो कि बगल में सांप हो तो तत्काल क्या हो सकता है हमारा हमारा अंत हो सकता है वो अशांत व्यक्ति शांति का ध्यान करना है तो शांता कारम भुजक शयनम का ध्यान करें विष्णु का ध्यान करें हम एक हजार फन वाले सांप के साथ सो रहे हैं निर्दनता के साथ हम तो मच्छर मक्खी और छिपकली इन तीन के बारे में सोच सोच कर ही चिंता में नहीं सोते कई बार रात में कहीं तो नहीं आएंगे? मच्छर परेशान हो गए कान के पास नए कान से ढूंढ के कान का छेद भी ढूंढ लेता है आ जाता है शिव के गले में वासुकी नाग है ठीक है शिव जो है वो गले में राजाओं का राजा सर्पों का राजा वासुकी को धारण किए हुए काल सर्प योग तुमने सुना है काल सर्प योग होता है जिसकी शांति की जाती है वो शिव की आराधना की जाती है उसमें और शिव की आराधना करके काल सर्प योग के माध्यम से सर्प सर्प सर्पय योग की शांति की जाती है तो वो ना वासुकी नाग की, ना की शांति की जाती है तो ये वासुकी नाग है गले में पर वो भी शांत है समाधिस्थ बैठे हुए हैं चुपचाप आराम से इतनी भयंकर ठंडी उसमें भी उनके ऊपर कंबल नहीं कोई रजाई भी नहीं कुछ नहीं और बैठी पार्वती भी उनके पास बैठी ध्यान लगा रही वो भी ध्यान लगा रही नंदी भी नीचे खड़ा हुआ है और कैलाश में बैठे हैं इतनी बड़ी ठंडक में ठंडक के समय में संकट में निश्चिंतता यही ध्यान है संकट में निश्चिंतता यही ध्यान है चाहे शिव हो और चाहे वो विष्णु हो और चाहे ब्रह्मा जी हों चार वेद हाथे हुए हाथ में थामे हुए हैं विराजमान हैं कमल कमल नाभि पर ना भी पे आपको बिठा दिया जाए तो आपको डर लगे कभी इधर गिर कभी उधर गिरे कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे ब्रह्मा जी बैठे हुए चुपचाप शांत आराम से और ब्रह्म और सृष्टि का सृजन कर रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का चिंतन करो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भगवान अगर हैं तो इस तरह से वहाँ पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं जब वो लोग रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं हम उनके घटक हैं स्वामी विवेकानंद के एक गुरु भाई स्वामी शिवानंद बेलूर मठ आ रहे थे नाव से बड़ी चौड़ी है नदी जो गंगा है यहाँ से निकल के दूसरा दूसरा स्वरूप ले लेती है क्या नदी का नाम क्या है उसका हुगली नदी हुगली नाम है हुगली को पार कर रहे थे तो बड़ा तूफान आ गया जोरदार और उस तूफान में वो नाव जो है मतलब अब तो पानी बहुत कम हो गया क्योंकि बहुत सारा पानी वो नाव डैम बना उसने ले लिया और उसके बाद शिवानंद जी जिस समय थे उस समय बहुत पानी था घाटों पर भी खूब पानी रहा करता था तो वो जब खूब लंबा चौड़ा तूफान आया तो उन्होंने तो क्या किया कि अपना वो तंबाकू निकाली तमाकू को उसमें भरा उसमें चिलम में और चिलम जला के पीने लगे और बाकी लोग बोले अरे साधु कुछ देखो बे बेचैन बेचैनी की परिभाषा यह है कि चैन नहीं बिल्कुल किसी को सबके सब, सब बेचैन अब डूबे तब डूबे अब डूबे तब डूबे तो बोले आपको चिंता नहीं है नाव डूबने वाली है शिवान जी बोले हम क्या आपसे पहले डूबेंगे डूबेंगे तो साथ ही डूबेंगे ना तो हमें क्यों बोला हमें क्यों बोल रहे हो हम क्या पहले डूबेंगे अरे नाव नहीं डूबेगी भाई हम कह रहे हैं तुमसे नाव नहीं डूबेगी निश्चिंत होकर के वो अपना चुरूट पीते रहे और अपना चिलम पीते रहे आराम से थोड़ी देर में किनारे लग गई नाव लोगों ने कहा साधु महाराज थे इसलिए अपन लोग बच गए वास्तव में आत्मविश्वास ने विजयी बनाया आत्मविश्वास आत्मविश्वास से होना चाहिए हमारा कुछ नहीं हो बिगड़ने वाला हमारा कुछ नहीं होने पत्नी पति से बोलती है क्यों जी तुम कुछ बोल नहीं रहे हो कुछ बोलो पति कुछ बोले तो उसका जवाब देती फिर जम के फिर फिर कड़कने लगती बरसने लगती फिर तो पति चुप बैठे हैं अब शांत हो पति तो भी लड़ती है वो क्योंकि उसका मन परेशान हो जाता है क्या तुम क्या सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं मतलब तो पति पत्नी के झगड़े बहुत सारे इसीलिए होते हैं कि पति शांत रहता है बेचारा इस वजह से <laughs> आजकल बहुत सारे जो व्हाट्सएप आते हैं ना इसी पे आते हैं पूरे बेस्ड होते हैं अनुद्विग्नता का ध्यान वीतराग होने का ध्यान अनुद्विग्नता का ध्यान वीरता का ध्यान वीर भाव का ध्यान नीरवता का ध्यान नीरवता का ध्यान वीर भाव ये कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला अनुद्विग्नता ये कि उद्विग्नता बिल्कुल नहीं आने देंगे ध्यान औषधि है मेडिसिन है जीवन की ध्यान मेडिसिन है औषधि है जीवन की पैरासिटामोल से बुखार मिट जाता है गिलोय विजातीय द्रव्य को मिटा देता है तो कहते हैं पैरेस्टामॉल खा के क्यों अपने शरीर को वो कर रहे प्रदूषित गिलो ले लो ध्यान ऐसी ही एक औषधि है ध्यान ऐसी एक औषधि है जो हमारी चिंताओं को उद्विग्नताओं को हमारे कष्टों को मिटाती है फोड़ा मवाद भरा फोड़ा है हमारा और उसमें खूब सारा वो भरा हुआ पस भरा हुआ है तो पालो उसको पालोगे नहीं हम तुम्हारा ऑपरेशन करा देते हैं एंटीबायोटिक लगा देते हैं इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाता डॉक्टर डॉक्टर कहता है देखो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि इसको चीरा लगवा दो इंसीजन एंड ड्रेनेज आई एन डी आई एन डी कहा जाता है इंसीजन एंड ड्रेनेज तो इंसीजन लगाता है और जैसे ही निकलता है बस ऐसे तो चेन की नींद होता है कम से कम चार घंटे आराम से बढ़िया नींद आती क्यों पस निकल गया ना जो परेशानी कारण था मर्ज से मुक्ति मिले चीरा मवाद निकलते ही शांति की नींद ध्यान जीवन की विषमताओं का विष का शमन का नाम है ध्यान जीवन की विषमताओं के विष का शमन का नाम है जितना भी अंदर जो भरा हुआ है ना घोड़ा उस फोड़े का निकालने की प्रक्रिया का नाम है एक प्रकार से चीरा लगाने का नाम है अपने अंदर असंतुलित ऊर्जाओं के सुनियोजन का नाम है ध्यान असंतुलित ऊर्जाओं के सुनियोजन का ध्यान है जितनी भी हमारी ऊर्जा करंट्स हैं वो गड़बड़ा गई हैं उनको ठीक करने का ध्यान है आप अवलोकन करें कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ विसंगतियाँ हैं कहाँ कहाँ डिस्क्रिपेंसीज हैं खुद कैलकुलेट करो खुद अपने अपने देखो इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी की जनरलाइज नहीं होंगी किसी की नहीं होंगी आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरी मेरे जीवन में क्या है उसका ध्यान आते ही जिसका ध्यान आते ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जैसे यहाँ से जाना पड़ेगा अब दो साल ही तो बचे हैं दो साल के बाद फिर यहाँ से जाना पड़ेगा कहाँ जाएंगे यहाँ सुरक्षा है या सब कुछ है या श्रद्धे की क्लास होती है या और भी चीज़ें हैं दोस्ती है हमारे दोस्त सब यहीं रहते हैं इतना सुंदर वातावरण है सब कुछ है कुछ नेगेटिविटी भी है कुछ नेगेटिव भी है खाने पीने में गड़बड़ी होती है तुमको कहीं कोई परेशानियाँ हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं पर कुछ अच्छाइयाँ हैं जो तुमको बराबर रोक के रहती हैं पर जाना पड़ेगा जाने के बाद मम्मी पापा एक ही जित करेंगे शादी करो शादी करो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा क्या करें अपनी खुद कैलकुलेट करो विसंगतियों को और विसंगतियों के विपरीत सोचो कि हम ऐसा ही शांति कुंज वहाँ जाके बना लेंगे हम ऐसा ही वातावरण वहाँ जाके बना लेंगे जाना पड़ा तो उन्हें जाना पड़ा तो अच्छा ही यहाँ रहो का हमें क्या दिक्कत है सूर्य चंद्र ध्यान के प्रतीक है सूर्य और चंद्र ये ध्यान के प्रतीक है सिंबल है तुम इनको ध्यान के प्रतीक बना सकते हो स्वामी विवेकानंद ने एक गीत लिखा है बहुत सुंदर गीत है मेरे पास है नहीं हुआ इस समय मैं लाया नहीं पाया नाचे उस पर श्यामा श्यामा जो है ना काली के लिए कहा है उन्होंने काली के लिए कविता लिखी शरदचंद उनके शिष्य थे डरा हुआ सा माहौल है अंग्रेज बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं पूरे देश में नेगेटिविटी फैल रही है शरद उनके पास आके बोले माहौल बड़ा खराब है स्वामी तो जी वातावरण बड़ा खराब उनके शिष्य थे यहीं हाथरस के स्टेशन मास्टर थे वो बाद में उनके शिष्य बन गए तो उन्होंने कहा कि आप आप कुछ ना कुछ सोचिए इस बारे में आज हमारा मन बड़ा अशांत है तो बोले कि डरे हुए को एक ही ध्यान करना चाहिए मृत्यु का ध्यान मृत्यु का ध्यान महाकाली का ध्यान मृत्यु का सम पर्यावरचक क्या है महाकाली तो उन्होंने नाची उस पर श्यामा गीत लिखा डा, लिख डाला उस दिन स्वामी विवेकानंद ने और ध्यान किया उन्होंने उन्होंने ध्यान किया उनसे भी ध्यान कराया उन्होंने कहा इससे बड़ा ध्यान कुछ नहीं हो सकता साहस का ध्यान है ये साहस का ध्यान मृत्यु पर ध्यान यानी साहस का ध्यान अरे मृत्यु हर एक की होनी है कल्पना करो कि तुम मर गए तुम दूर से ऊपर से देख रहे हो एक किताब है अपने यहाँ लाइब्रेरी में ड्रेमंड मूडी की लाइफ आफ्टर लाइफ अगर उसको पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ना कभी यहाँ पे है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी है मेरी लाइब्रेरी में भी है लाइफ आफ्टर लाइफ उसमें वो लाइफ चली जाती है तो उसके बाद वो ऊपर से देखते हैं कि क्या हुआ फिर हमको ये किया फिर हमारे शरीर पर वो लगाया उन्होंने डिफ्रिटर लगाया उसके बाद हम एकदम उठ के बैठ गए ये वास्तव में बहुत बढ़िया ध्यान है यदि इसको ध्यान करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे निस्वार्थ निष्कलुष विनम्र धैर्यवान पराक्रमी ये सारे गुण किसी में अगर एक में हैं तो वो है हनुमान जी हनुमान जी का ध्यान करो निस्वार्थ निष्कलुष विनम्र धैर्यवान पराक्रमी साहसी और विद्वान बहुत विद्वान अनुशासित हनुमान जी का ध्यान करो मनोजयम वेगम सकल गुण निधानम कहा जाता है उनको सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में भी अग्रगण्य बहुत बड़े तो हमने आपको गणेश जी के बारे में बताया आप ये बता रहे हैं आपको इनके हनुमान जी के बारे में फिर काली के बारे में बताया ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया कोई भी प्रतीक ले सकते हो आप शिष्य कैसा हो जीवन कैसा हो सन्यासी कैसा हो कैसा कार्य करता हो हनुमान जैसा व्यक्ति कैसा हो हनुमान जैसा छठे राम पंचायत में जबरदस्ती घुस घुस गए थे, थे। गुरुदेव ने लिखा है अपने अंगवियों से वे कि बनना चाहिए तो हनुमान जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए दूसरों की सहायता करने वाले तत्पर हमेशा संयतेंद्रिय तत्पर संकट मोचन नाम है उनका क्यों संकटमोचन नाम क्यों उनको संकटों से बचाते हैं दोनों बचाते हैं गणेश भी बचाते हैं विघ्न निवारक हैं और हनुमान जी भी बचाते हैं इन दोनों का ध्यान करने से संकट आते नहीं संकट टल जाते हैं दोनों का ध्यान करने से कमी होते हुए ये विराट से विराट रूप भी धारण कर सकते हैं हमारी कितनी भी कमी हो उसके बावजूद भी हमारे जीवन में आकर के हमारे संकटों का निवारण कर सकते हैं हर किसी की मदद करते हैं कोई भेद नहीं करते आकार के होते हुए भी, भी निराकार है बाली ने कोशिश की कि हनुमान जी को अपने पास रखना चाहिए बाली और सुग्रीव दो भाई थे इंद्र के अंश से बाली पैदा हुआ था और तो सूर्य के अंश से सुग्रीव सूर्य से उन्होंने कहा कि हमें हनुमान चाहिए हनुमान चाहिए हनुमान हनुमान हमारे पास रहेगा तो हम सुग्रीव से लड़ लेंगे युद्ध कर लेंगे सूर्य ने हनुमान जी से कहा तुम सुग्रीव की मदद करो तुम बाली के पास मत जाना बाली का पतन हुआ रावण से मित्रता कर ली ये उसका सबसे बड़ा पत, सबसे बड़ी जो गलती थी रावण से मित्रता कर ली रावण का कुसंग हनुमान राज्य विहीन स्त्री विहीन सुग्रीव के साथ रहे और ऐसे व्यक्तित्व का संपूर्णताओं का साथ ध्यान करें हम एक निराशक्त आदमी के रूप में जिसको कोई जरूरत ही नहीं किसी सामान की जरूरत ही नहीं ऐसे व्यक्ति के रूप में हनुमान का ध्यान करें आज आदमी संग्रह से धन से तृप्ति नहीं होता वैसे तो दो हज़ार करोड़ भी कम है आज घोटाले के नाम पड़ रहे हो ना तुम कितने कितने घोटाले आठ हज़ार करोड़ का घोटाला दो हज़ार करोड़ का घोटाला हमारे चारों ओर लाखों के घोटाले हैं क्या उनकी रोटी सोने की होती है क्या घोटाले वालों की रोटी अलग होती है वही रोटी होती है पर नहीं खा पाते बीमारियां हैं कई तरह की बीमारियां असुरक्षा है चिंता है हर दिन की आवश्यकता सौ साल जीवन कैसे जिए एक मकान कार नौकर तो भी तो भी हमको ज़्यादा चाहिए तो भी हमको और चाहिए और चाहिए एक भय बेटे बेटियों को क्या होगा एक महाराज जी आए किसी धनी के यहाँ महाराज जी ध्यान रखिएगा हमारा ठीक है तुम्हारा ध्यान रखेंगे तुम्हारा ध्यान रखेंगे तुम ये इसका मंत्र का जप करते रहना इससे क्या होगा तुम्हारी सात पुश्तों में बराबर पुण्य जाएगा और सब ठीक हो जाएगा फिर रोने लगे जोर जोर से बोले क्यों बोले आठवीं पुस्तक का क्या होगा भगवान मतलब ये कि आपको चिंता की अपनी चिंता करो ना सबसे पहले तो सात पुस्तकों का ध्यान है तुमको या क्या निकम् में है सारे सारे हमारे खानदान के लोग जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे अगर वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे यदि जुझारू हैं तो उनको घोटाले की चिंता करने की जरूरत नहीं है वो तो बिना घोटाले के अपने पैरों पर पे खड़े हो जाएंगे हम नकारात्मकता से संशय से के पीक पर जीते हैं नकारात्मकता के पीक पर जीते हैं संशय पे जीते हैं और दिन रात दिन रात इसी में रहते हुए स्ट्रेस में चले जाते हैं एक व्यक्ति मस्खरा टाइप का था नौकरी करता था बढ़िया नौकरी करता था खूब पैसा कमाता था मस्खरा टाइप का था उसने कहा भाई साहब क्या काम करते हैं तो उसने कहा जवाब दिया हम लोगों को डराते हैं डराने का पैसा लेते हैं कैसे डराते हैं तो बोले हमारा बिजनेस है सवेरे सवेरे हम लोगों के घर पहुंच जाते हैं कि कैंसर हो गया और मर गए तो कहीं तुमको चोट लग गई और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो छत तुम्हारी गिर गई तो आग लग गई तो, तो क्या करें हमारा नाम हम आपके संकट मोचक हम बीमा बीमा करते हैं बीमा भी, भी, वाले जो हैं डरा डरा के लोगों का बीमा कर देते हैं और बीमा कर देते हैं अपन सोचते भी नहीं कि मतलब हमको जरूरत पड़ेगी बीमा वाले को वालों को नब्बे ऐसे लोगों का पैसा मिल जाता है बीमा कंपनी क्यों लाभ में चलती है नब्बे ऐसे लोगों का भय मिल जाता है जो भयग्रस्त होते हैं दस लोगों को पैसा देना पड़ता है दे देते हैं उसमें क्या दिक्कत है नब्बे परसेंट का तो बिल मिल ही जाता है ना पैसा उनको तो बोले हम तो बस इस तरह से उनको वो लोग लो हमको चाय नाश्ता भी कराते हैं भोजन भी कराते हैं जब हमको डराते हैं तो बराबर डरते भी चले जाते हैं उसके बाद वो हमको चाय नाश्ता भी कराते हैं देखो कितना बढ़िया आदमी देखो बहुत बढ़िया आदमी है अरे अपने को सलाह देने आया है आओ तुम भी आओ तुम भी मिलो चलो पत्नी को मिलाते हैं बच्चों को मिलाते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे हाँ इनका भी करा देते हैं इनका बीमा कराते हैं तो सबका बीमा कराते हैं आपकी पत्नी का भी इन दोनों का भी ओके आपके मरने के बाद इनका क्या होगा फिर इनके मरने के बाद इनका क्या होगा सबको डरा डरा करके बीमा कर देते हैं बीमा वाले केवल एक ही काम करते हैं और रात को बैठते हैं वो आज कितनों को डराया हिसाब किताब लगाते हैं आज कितनों को डराया है मन की नकारात्मकताओं के कारण लोग विचलित हैं आज मन की नकारात्मकता नेगेटिविटीज के कारण अगर मन में निरग मने मन में एक नि... निर् है निश्चिंतता है कि नहीं परमात्मा हमारे साथ है हमारा कुछ नहीं होने वाला मित्रों मैंने आज तक अपना बीमा नहीं कराया मैं बीमा किसके लिए कराऊँ जी जी ने नहीं कराया हम दोनों ने बीमा नहीं कराया क्यों कि किस लिए किसके लिए बीमा करा मैं किसके लिए कराना अरे हमारी हमारी रक्षा भगवान करेगा और जिस दिन चले जाएंगे उस दिन बाकी सबकी वृक्षा भगवान करेगा गुरुदेव करेंगे माता जी करेंगे सब लोग करेंगे बीमा बीमा जैसी चीज़ जो है ना उसके लिए है जो असुरक्षित व्यक्ति है उनके लिए असुरक्षित व्यक्ति के लिए सुरक्षित व्यक्ति के लिए नहीं है भगवान पर विश्वास करने वाले आस्तिक व्यक्ति के लिए नहीं है आज हमारी नकारात्मकताओं ने वैयक्तिक जीवन पारिवारिक जीवन प्राकृतिक जीवन पर्यावरण जीवन सबको सबको एक साथ जोड़ रखा है और सबको बराबर प्रभावित कर रखा है आवश्यकताएं नहीं है पर संसाधन एकत्र कर रहे हैं हमारे पास जरूरिया जरूरत नहीं है इकट्ठे करते चले जाए कहीं इसकी जरूरत पड़ गई तो कहीं जरूरत पड़ गई तो आवश्यकता नहीं है बस हम प्रकृति के प्रवाह के विपरीत चल रहे हैं जीवन शैली असंतुलित है हमारी ध्यान हमारे जीवन का संतुलन बिठाने की प्रक्रिया है ध्यान हमारे जीवन का संतुलन बिठाने की प्रक्रिया है हम पूर्ण रूप से स्थिर हो चुके हैं अब हमारे जीवन में कोई असंतुलन नहीं आएगा यह हम बार बार अपने आप को ध्यान के माध्यम से सिखाते हैं हम नित्य प्रति असंतुलित शांत होते रहते हैं इसलिए नित्य ध्यान करना चाहिए जीवन के लिए जल भोजन श्वास सभी जरूरी है जल भी जरूरी है भोजन भी जरूरी है श्वास इसी तरह से ध्यान भी आवश्यक है भले ही दस मिनट करो ध्यान पाँच मिनट करो दस मिनट करो ध्यान ध्यान करो कुछ नहीं चुपचाप शांत बैठ जाओ बस और अच्छे अच्छे विचारों को बुला लो आमंत्रित करो अच्छे विचारों में आमंत्रित करते थे उनको अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे और नेगेटिविटी धुल जाएगी दस मिनट का ध्यान आपको हजार मिनट की नेगेटिविटी से बचा लेगा चौबीस घंटे में जो आती हैं हज़ार मिनट की नेगेटिविटीज़ उनसे बचा लेगा हमारा मन भ्रांतियों से लिप्त नहीं रहेगा फिर भ्रांतियाँ बच से हम बच जाएंगे एक फकीर था वो पजू वो पजू बी ओ पी ए जे यू चाइनीज़ उसने डंडे पे झंडा गाड़ दिया कब पहाड़ की चोटी पर और शिष्यों से पूछा क्यों शिष्यों बताओ क्या हिल रहा है तो झंडा हिल रहा था पर शिष्यों को भी उल्टा दिखा शिष्य ने कहा भगवान ये तो पर्वत हिल रहा है पूरा पर्वत हिल रहा है अरे बेवकूफों डंडा हिल रहा है झंडा हिल रहा है पहाड़ नहीं हिल रहा है पहाड़ हिलेगा तो फिर तो सबके सब नीचे आ जाएगा पूरा पूरा वायु शून्य है हाँ पर्वत नहीं तुम्हारा मन हिल रहा है तुम्हारा मन हिल रहा है उस झंडे के साथ साथ तुम्हारा मन भी हिल रहा है इसलिए तुमको हिलता हुआ दिख रहा है जैसा हम वैसा हमारे आसपास का संसार जैसे हम अंदर से वैसे हमें बाहर का हम गंदे अंदर से तो हमको बाहर से गंदा दिखाई देता है हम अच्छे अंदर से तो हमको बाहर से अच्छे दिखाई देता है मन का न हिलना मन का टिक जाना ध्यान है मन का न हिलना मन का टिक जाना ध्यान है अभी परंपरा मैं बता तो रहा हूँ गलत परंपरा है परंतु फिर मैं कहानी सुना रहा हूं एक परिवार में खाने के बाद अच्छी क्वालिटी की शराब पीने की परंपरा थी अच्छी क्वालिटी की बाप भी बेटे मैंने चार पांच परिवार ऐसे देखे हैं जिन परिवारों में मैं जाता था तो नहीं पीते थे परंतु तो उनकी यहाँ परम्परा थी बाप बेटे दोनों एक साथ पी रहे हैं बाप बेटे को सिखा था, था बेटा कितने पेग पिए बाप से पूछा बेटे ने कितने पेग पिए बेटा जब एक की दो दिखाई दें तो फिर फिर पीना बंद कर देना चाहिए फिर पीना बंद कर देना चाहिए तो बेटे ने कहा पिताजी आप तो अनुभवी हैं अच्छा ये बताइए कि सामने कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं आपको तो वो सामने दो आदमी हैं पर अब हमको चार दिखाई देने लगे तो बोले पिताजी सामने कोई नहीं है <laughs> आप जरो से ज़्यादा पी चुके हैं अब आप पीना बंद करिए पीढ़ियों पीढ़ियों दर ये चलता रहता है और अगर आप समझने की कोशिश करें तो वास्तव में अपने जितने भ्रांतियां हैं उनको मिटाने के लिए अपने तनाव को मिटाने के लिए जो शराब पीते हैं उनके जीवन में बेहोशी बनी रहती है बेहोशी से होश में आना ध्यान है बेहोशी से होश में आना ध्यान है जीवन की मूर्छा टूटना ध्यान है समझ आनी चाहिए यदि ये आ गई कि भगवान हमारे आसपास हैं भगवान हमारी देखरेख करेंगे आकाश की तरह से घड़ा जो होता है उसके मुंह छोटा होता है पर उसमें भी आकाश है घटाकाश बोलते हैं उसको घटाकाश चिदाकाश बड़ा वाला आकाश ये घटाकाश यूनान की कहानी है लोक कथा बहुत सुंदर इसको सुन के कहानी कहानी सुन के फिर बंद कर देंगे मछलियों ने मछुआरों से की एक चर्चा सुन ली गलती से मछलियों ने मछुआरों की चर्चा सुन ली कि जल ही जीवन है जल ही जीवन है आपस में बात कर रहे बोले तो जल नहीं होगा तो क्या होगा संकट हो जाएगा तो उन्होंने आपस में बातचीत की मछली बड़ी मछली छोटी मछली से कहा तो तुम जानते हो जल क्या है नहीं मैं तो नहीं जानती मैं भी नहीं जानती जल क्या होता है जल में रहती हैं जल में रहती हैं नहीं मालूम चिंता हो गई ये जल क्या होता है भाई जल क्या होता है अगर जल नहीं हुआ तो जीवन हमारा खत्म हो जाएगा जल हमारा जल नहीं हुआ तो जीवन ख़त्म हो जाएगा जल में पैदा होने वाली जानती नहीं थी बुजुर्ग मछलियों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं मालूम वो तब क्या है बोले हमारा अनुभव भी नहीं है कुछ मालूम नहीं जल के बारे में हमको तो मछली बार बार पूछती बार बार पूछती रही बाद में बोली एक एक थोड़ी सी और बुजुर्ग दाढ़ी वाली मछली जो है वो बोली कि मैं समुद्र में रहने वाली कुछ मछलियों को जानती हूँ समुद्र में रहने वाली मछलियों को जानती हूँ बड़ी ज्ञानी मछलियाँ हैं वहाँ चलो वहाँ तक चलते हैं उनसे उनसे ज्ञान प्राप्त करके आते हैं सब चल दी उनके पीछे पीछे चल दी मछलियाँ ये अलंकारिक कथा है चली गई उन्होंने कहा समुद्र वाली ने कहा हमें भी नहीं मालूम भाई मछली क्या हो जल क्या होता है जल क्या होता है एक जोरदार लहर आई और मछलियों के जमीन पर पटक दिया कुल बुलाने लगी परेशान हो गई हमें लगा हम मर जाएंगे जहां हम रहते वहीं चलेंगे तो बड़ी मछली बोली अरे यही तो जल है जल ही जीवन है जल ही जीवन है जल, जीवन है। जल में चलो यही जल है नहीं तो नहीं तो तुम मर जाओगे परमात्मा के बिना जीवन नहीं है जैसे जल के बिना जीवन नहीं है समुद्र में उस तरह से परमात्मा के बिना जीवन नहीं है इस अनुभूति को जो साकार कर लेता है वो ध्यान सफल हो जाता है परमात्मा के बिना जीवन नहीं परमात्मा है नास्तिक भी मानता है कि परमात्मा है वो बोलता नहीं पर मानता है अंदर ही अंदर मानता है ये अनुभव मिल गया तो पूरी तरह से पूर्णता जीवन में आती जाती है व्यक्ति का समग्र ध्यान जो है साकार हो जाता है अब ध्यान के निर्देश सुनेंगे लाइट्स ऑफ कर दें सावधान शांत चित्त शांत पूरी तरह शांत मन शांत शांत चित्त स्थिर शरीर ध्यान मुद्रा दोनों हाथ गोद में बाया हाथ नीचे दाएँ हाथ ऊपर शांति कुंज, गंगा का तट हिमालय की छाया गायत्री कुंज शांति कुंज नियमित जप ऐसे सिद्ध वातावरण में हम लोग बैठे हैं प्रातकालीन उगता हुआ सूर्य हमारे पीछे से आ रहा है गंगा के किनारे से और हम ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं पूज गुरुदेव के स्वर में गायत्री मंत्र चल रहा है हम ध्यान कर रहे हैं उसका अब मन में न जाने कितने तरह के भाव उठ रहे हैं क्रोध उठ रहा है घृणा उठ रही किसी के प्रति और असंतोष उठ रहा है ध्यान कीजिए करुणा के देव करुणा के सागर भगवान बुद्ध का चित्र हमारे सामने है उन्होंने करुणा से अहिंसा से प्रेम से सारे संसार को जीता ऐसे भगवान बुद्ध हमारे आदर्श बने भगवान बुद्ध करुणा के साकार रूप उन्होंने दुखों के कारण खोजे दुखों का कारण एक ही मिला उनको मृत्यु का भय मृत्यु का भय लोगों को मृत्यु का भय है बीमार होने का भय है और बूढ़ा होने का दुख बूढ़ा होने का भय है इन सब चीजों से मुक्ति उन्होंने कहा मुक्ति कहां से मिलेगी मुक्ति मिलेगी पूर्णतः सम्यक भाव से अपने आप को परमात्मा से एक एक रूप करने से, करुणा को जगाने से अपने अंदर की करुणा के देवता अगर हमारे आराध्य हैं तो हमारे अंदर क्रोध कभी नहीं आना चाहिए बुद्ध का एक छोटा सा चित्र तुम अपने कमरे में लगा लो जब भी क्रोध उठे अपने कमरे में चले जाओ बुद्ध को देखो बुद्ध की तरह बैठ जाओ करुणा का भाव करो अचानक ही देखेंगे कि आपके भीतर एक रूपांतरण होने लगेगा परिवर्तन होने लगेगा क्रोध विलीन हो जाएगा उत्तेजना चली जाएगी करुणा पैदा होने लगेगी बुद्ध एक ऐसे ही महापुरुष थे जिनके सानिध्य में आने वाले लोग स्वतः शांत हो जाते थे परम पूज्य गुरुदेव के समीप आने वाला कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रति गुस्से से भरा आता था तो तुरंत विगलित हो जाता था क्योंकि वो साकार रूप थे तप के स्वामी विवेकानंद से भी ईर्ष्या करने वाले लोग भी उनके पास आते अपना ईर्ष्या का भाव भूल जाते थे ये जो ऊर्जा है करुणा की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा रूपांतरण की ऊर्जा कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है ये वही है ऊर्जा क्रोध वाली ऊर्जा ये वही है घृणा वाली ऊर्जा पर इसका रूपांतरण हो गया ऊर्जा का रूपांतरण परिवर्तन उर्दू गमन।, गमन आप ऊपर जा रहे हैं आपके पास ऊर्जा आ गई भले दस मिनट के लिए सही पर यह ऊर्जा को पैदा करने का काम हम करके देखें विपरीत पर विचार करके उसके उसके विपरीत पर विचार करने की कोशिश करें असंतुष्ट हैं संतोष के बारे में विचार करें असंतुलित हैं संतुलन के बारे में विचार करें पेंडुलम का ध्यान करें क्रोध उठ रहा है तो करुणा का ध्यान करें दोनों एक ही विपरीत विपरीत भी वही ऊर्जा है और इस तरह इस तरफ भी यही ऊर्जा है विपरीत भाव दशा को जैसे ले आते हैं पहली भाव दशा को पी जाती है वो अपने में समाहित कर लेती है गुण धर्म बदल जाता है ऊर्जा का इसी ऊर्जा में स्नान करें निरंतर यही ध्यान निरंतर यही ध्यान बुद्ध पुरुष बनने का ध्यान करुणा को जगाने का ध्यान बड़ा विलक्षण है करुणा को अपने जीवन में उतारने का ध्यान बहुत विलक्षण है स्मित मुद्रा सहसदल कमल खिले हुए दोनों हाथ आसन की मुद्रा में रखे हुए नीचे सुखासन तो में बैठे बुद्ध ये मेरे कमरे में मतलब जहाँ मैं रहता था पहले वाले कमरे में जहाँ हम आजकल आप प्रणाम करने जाते हैं परम गुरुदेव के कमरे में वहाँ लगा हुआ चित्र है ये बुद्ध का गुरुदेव के समय में भी था ये चित्र गुरुदेव को बहुत पसंद था ये चित्र बुद्ध का ध्यान करुणा का ध्यान हनुमान का ध्यान पराक्रम का ध्यान बल का ध्यान दूसरों की रक्षा का ध्यान गणेश का ध्यान गणपति का ध्यान विघ्न निवारक ब्रह्मा का ध्यान विष्णु का ध्यान शिव का ध्यान जब ये विपरीतताओं बीच में रहकर के शांत रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते शांताकारम भुजक शयनम गायत्री माता का ध्यान हंस पे विराजमान कमंडल हाथ में लिए हुए वे, वेद की पुस्तक हाथ में लिए हुए एक सुंदरतम मूर्ति गायत्री का ध्यान विपरीत भाव दशा को लाकर पहली भाव दशा को पिलाने की कोशिश करें उसमें यह ध्यान विलक्षण ध्यान है हम सात बोलेंगे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम, तम्सोमा। तम्सोमा। जो तिर्कम्या। जो तिर्कम्या। जो तिर्कम्या। ओम। अस्तो म ओम ओम मृत्योर्मा मृतम ओम शांति 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 एक ये बहुत सुंदर हाथ रगड़ के लगा लें चेहरे पे एक बहुत सुंदर श्लोक है जो केनोपनिषद का है खंड दो का चौथा श्लोक मेरे साथ दोहराएंगे प्रतिबोध विदितम मतम ही विंदते आत्मना विदंते अमृतम अब इसका अर्थ संकेतों से उत्पन्न ज्ञान से यह मानना चाहिए कि यही वास्तविक ज्ञान है क्योंकि इससे अमृत स्वरूप परमात्मा को अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है मनुष्य प्राप्त करता है अंतर्यामी परमात्मा से अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा जानने को जानने की शक्ति परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है प्राप्त करता है और, और विद्या से विद्या से अमृत रूप अमृत रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को परम पुरुषोत्तम प्राप्त होता है प्राप्त होता है ओम शांति 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 दोनों हाथ फिर से एक बार ऐसे से लगड़ के लगा लीजिए। लाइट चालू कर दीजिए यह आज का ध्यान था प्रतिकूलताओं में विपरीतताओं में रमण करने का ध्यान उसके विलोम सोचने का ध्यान ठीक है भारत सेवा रतन गोल्ड मेडल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंसेज ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी एट बेंगलोर डॉक्टर पंकज सेनी को मिला है आई टू कम कोऑर्डिनेटर Department of Environmental Sciences.